जय माता दी। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप और नमस्ते। आज हम लाए हैं हेडलाइट स्कूटी, ड्यूट का है और क्या प्राइस में आता है वो सब बताएंगे। और ये हमारे पास सील पैक में है और ये हीरो का जेन्युइन पार्ट है, ओरिजिनल है। और इसकी क्या क्वालिटी रहती है, कैसी क्या क्वालिटी है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका वाइजर बताया था, अभी इसका दो इंडिकेटर और आता है उसके भी वीडियो बनाएंगे। लेफ्ट राइट दोनों सेट में ही डालना है। और मेरे पास अब ये हेडलाइट आया हुआ है तो हेडलाइट का वीडियो बना देते हैं। और कंपनी में एक बहुत बड़ी शिकायत है कि कभी कोई सामान का पूरा सामान नहीं मिल पाता है। सामान मंगाएंगे दोनों तीनों तो कुछ ना कुछ उसमें नहीं आ पाता है। तो ये चीज़ को कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, जो दे रहे हैं माल, उस चीज़ को उस पूरा चीज़ दें। अब आदमी दो सामान भेज दिया, अब एक सामान के लिए फंसा, आप देखिए कब तक आएगा। आदमी को इंतज़ार करना पड़ता है और कस्टमर के पास पेशेंस तो है नहीं, चाहे कहीं का भी पेशेंस हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो पेशेंस कस्टमर हो, उसको पेशेंस नहीं है। तो कंपनी का जो नियम है वो भाई 10 दिन 15 दिन समय लगता है आने में, कहीं से भी माल आता हो। तो उसी तरह हमारे पास भी जब उसके बाद 10-15 दिन बाद आएगा तो फिर मेरे पास 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मेरे पास आएगा। जब 1 हफ्ते बाद आएगा तो फिर अब दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल में मेरे पास इसका है वाइजर का, हमने वीडियो आपको दिखा चुके हूँ। अब इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या है। तो ये हमारे पास हीरो का कुछ इस तरह का चौकोर सा बॉक्स है और काफ़ी बढ़िया बॉक्स है, कंपनी बनाई है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। हमने इसको ओपन किया, निकाला, अब ये बाहर हमने निकाल लिया। अब रखते हैं इसको साइड में, ओपन करते हैं। तो ये जो बॉक्स है काफ़ी हार्ड है और इसके साथ क्या क्या मिलता है वो भी आपको बताएंगे। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में क्योंकि बॉक्स के बारे में, बॉक्स पे भी MRP सब कुछ लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह का हमारा फ्रंट है। तो हीरो ड्यूट का है ये, ठीक है। और इसमें हीरो का यहाँ पे मोलोग्राम लिखा होगा क्योंकि हीरो का जेन्युइन है तो यहाँ पे हीरो लिखा हुआ रहेगा। और इसके अंदर ना कोई बल्ब आता है ना कुछ आता है। और इसके ठीक अब फ्रंट में आपको हमने दिखा दिया। और वो कस्टमर का हमने चेंज करने का रीज़न क्या है, उसका ये जो नक्का देख रहे हैं जिसमें हमारा ये क्लिप फंसता है, वाइजर में फंसता है, ये दोनों डैमेज हो गया था। प्लस हमारा नीचे का कुछ हिस्सा उसका डैमेज हो गया था क्योंकि वो लड़ गया था, लड़ने की वजह से वो डैमेज हो गया था। तो कस्टमर ने बोला कि इसको जुगाड़ से कर दें, तो हमने बोला देखिए जुगाड़ करेंगे तो वो आपको फिर दिक्कत देगा। तो आप एक ही बार में पैसा ढंग से जो भी लगाना है एक बार में लगाइए, फाइनल हो जाएंगे, आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप दोबारा उस चीज़ के लिए कष्ट नहीं। क्योंकि सब जेन्युइन जब पड़ रहा है तो सबका सेटिंग परफेक्ट पड़ेगा तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। किसी प्रकार का अगर उस पर झटका या किसी चीज़ में गाड़ी में भिड़ता नहीं है तो वो जैसे आपका शुरू में गाड़ी आया था उसी तरह अभी भी चलेगा और आने वाले भविष्य में भी चलेगा। तो कुछ इस तरह का है, हमने आपको दिखा दिया। इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। अब आते हैं इसके बैक साइड में। तो बैक साइड में इसके साथ क्या क्या मिल जाता है, बैक साइड में मिलता है एक हमारा होल्डर मिलता है इसके साथ अटैच, और एक T10 बल्ब आता है उसका है होल्डर साथ में ही दिया हुआ है, और ये वायर दिया हुआ है 4 तार का। इसमें हमारा एक दिया हुआ है हमारा T10 बल्ब के लिए वायर गया हुआ है, इसमें तो है कुल 5 तार, ठीक है। इसमें 4 तार का कपलिंग दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमारा एक T10 है जो हाफ लाइट पे जलता है, तो हाफ लाइट पे जब जलेगा तो ये फुल लाइट नहीं जलता, तो हाफ लाइट जब जलेगा तो ये फुल लाइट हमारा नहीं जलेगा। तो जो हेडलाइट में हाफ लाइट लगा होता है वो T10 बल्ब वो जलने लगता है, जब फुल लाइट जलाएंगे तब हमारा ये वाला बल्ब वर्क करेगा जो अपर डपर। इसमें 3 वायर लगा हुआ है, 2 वायर इसमें लगा हुआ है, इसमें 4 वायर का हमारा ये कपलिंग है, और ये कपलिंग कंपनी अटैच देती है, बहुत बढ़िया बात है क्योंकि कपलिंग ये चीज़ मिलता नहीं है जल्दी, अब मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब आते हैं इसके नीचे, और ये हमारे पास है रबर, ताकि इसमें जब हम अपना होल्डर लगाएंगे जो क्या बल्ब लगाएंगे HS1, उसके बाद ये हमारा कपलिंग लग जाएगा, लगने के बाद ये पैक हो जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार का डस्ट नहीं जाएगा। और जो गर्म हीट होता है उस हीट को डिसेबल करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए, यहाँ पे 2 एयर वेंटिलेशन निकला हुआ है सी टाइप से मोड़ के, इसलिए निकला हुआ है क्योंकि इसमें डस्ट किसी प्रकार से घुसे ना, घुसे भी तो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर एक एयर वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, एक यहाँ एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, ताकि हमारे जो डस्ट है मतलब जो अंदर का हीट है वो बाहर निकले। अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि हमारा जो बल्ब है फ्यूज होने का लगभग 60-70% चांस बढ़ जाता है। अगर वो हीट बाहर निकलने लगेगा तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इसका जो बल्ब फ्यूज होने का है वो नहीं होगा। इसमें देखिए 2 तरह का छेद भी दिया हुआ है, एक यहाँ पे छेद दिया हुआ है जो भी हमने आपको दिखाया है इस जगह पे,
इस जगह पे ये दिखाया है निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे छेद दिया हुआ है तो इसके अंदर से स्पेस होता है, और एक यहाँ सेम टू सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो दोनों जगह सेम टू सेम जगह दिया हुआ है, और ये जो हीट है उसको बाहर निकालने के लिए। कुछ इस तरह का हमारा ये प्रोडक्ट है, हमने आपको दिखा दिया। अब इसमें देखते हैं बैक साइड में कहीं हीरो लिखा हुआ तो नहीं है, और ये कंप्लीट है, और ये फाइबर मटेरियल में आता है, ये स्क्रैचेबल, बहुत रियर केस में स्क्रैच होता है, जल्दी स्क्रैच नहीं होता है, क्योंकि जेन्युइन सामान जल्दी स्क्रैच नहीं होता है। तो ये जब किसी गाड़ी या रोड पे कहीं किसी चीज़ से लड़ेगा तभी इस पर स्क्रैच पड़ेगा, वैसे अन्यथा इस पर स्क्रैच जल्दी नहीं पड़ता है। इस हिसाब से इसको मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, और उस हिसाब से इसका फाइबर यूज करती है। अब आते हैं इसके प्राइस और MRP पे, तो ये किस गाड़ी में लगता है, हीरो ड्यूट में लगता है। और अब आते हैं इसके प्राइस और MRP पे, तो ही पहले पार्ट नंबर इसका है, पार्ट नंबर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा कि पार्ट नंबर से ही कोई सामान मिलता है, चाहे हीरो हो, चाहे TVS हो, बजाज हो, होंडा हो, यामाहा हो, चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी गाड़ी हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे 10 चक्का हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, सबका एक पार्ट नंबर निर्धारित है, उसी पार्ट नंबर से वो सामान मिलेगा। तो ये पार्ट नंबर है, तो हीरो ड्यूट का हेडलाइट का, तो पार्ट नंबर है 3310BAAY001S, ठीक है, और लाइट असेंबली हेडलाइट विदाउट बल्ब, तो ये शॉर्ट में लिखा है WO बल्ब, मतलब बिना बल्ब की आपको मिल जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 03/2023, नेट क्वांटिटी 1 पीस, MRP है 600 रुपये। तो ये 600 रुपये का ये हमारा प्रोडक्ट है, 600 रुपये का ये हेडलाइट है, वही कंपनी अदर कंपनी मिलेंगे तो 500 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन हमारे कहने में 100 रुपये लगाने से अगर हमें जेन्युइन सामान और भरोसेमंद सामान मिल जाता है तो हम 100 रुपये प्रेफर करेंगे कि और देखा और ओरिजिनल सामान लगवाएं। तो कुछ इस तरह का है, और बस इतना ही। और वीडियो में हमने जो गाड़ी किस गाड़ी के बारे में बताया फिर से रिपीट कर देते हैं, हीरो ड्यूट आता है, उस गाड़ी का ये हेडलाइट है, अभी इसका एक वाइजर का भी अनबॉक्सिंग किया था हमने, और आज हेडलाइट का अनबॉक्सिंग किया हूँ, और अभी एक आध दो दिन के अंदर मेरे पास दोनों इंडिकेटर आ जाता है, लेफ्ट राइट का, फ्रंट का, उसका भी अनबॉक्सिंग डालेंगे, उसकी भी प्राइस क्या है, MRP क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो में बस इतना ही। अगर ये पार्ट आपको चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है कहीं, अगर आपका हेडलाइट ख़राब हो गया हो तो उसका पार्ट नंबर यही है जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो पार्ट नंबर से आप उसको कहीं भी किसी भी हीरो के ऑल ओवर इंडिया में आप उस पार्ट नंबर को बताएंगे, वो हेडलाइट, ये वाला हेडलाइट आपको मिल जाएगा। वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते, जय श्री राम।